आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई का, और हमारे साथ राखी जी हैं। तो राखी जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पावर बीआई। हमने पावर बीआई के सॉफ्टवेयर का आपने इंस्टॉल कर लिया है, आपने उसकी आईडी क्रिएट कर ली है। जब भी आप पावर बीआई ऑन करते हैं तो आपको इस तरह का सबसे पहला विंडो आता है, और विंडो के सामने ये आपका पॉपअप होता है। चलिए इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा रिसेंटली क्रिएटेड योर फाइल, और जो भी आपने रिपोर्ट क्रिएट किया है वो आएगा। उसके अलावा आप नए डेटाबेस को देख सकते हो, या फिर रिसेंट सोर्सेज को भी यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से आपने पावर बीआई रिपोर्ट को भी ओपन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक कुछ वीडियोस का लिंक दिखेगा, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड पावर बीआई, जो पावर बीआई की जो ट्रेनिंग वीडियोज है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियोज दिखेंगे। और यहाँ वी ऑल वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंटरनेट पे इसकी सारे ट्यूटोरियल्स वीडियोज आपको दिखने को मिल जाएगी। तो इसको भी यू देख के आप थोड़ा सा पावर बीआई के बारे में जान सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोज है, ट्रेनिंग वीडियोज है। दूसरा, ये आपका व्हाट्स न्यू, मतलब कि यहाँ इसकी जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग पे से ट्यूटोरियल पे चले जाएंगे, पावर बीआई ब्लॉग पे चले जाइए, कम्युनिटी जो फॉरम है उस पे चले जाएंगे, ताकि कुछ बहुत सारे उस पर एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे पावर बीआई यूजर्स हैं जिनसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके मैम। अब यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। विंडो का समझ लीजिए, जैसे एक्सेल में शीट्स होता था ऐसे यहाँ पे पेजेस होते हैं, प्लस करके अपने पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक पेज मतलब कि एक डैशबोर्ड, इस तरह से पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका कैनवस एरिया होता है, जो भी रिपोर्ट्स, जो भी डैशबोर्ड्स बनती है इसी एरिया पे बनती है। उसके बाद ये आपका फिल्टर्स होते हैं, ये विजुलाइजेशन, मतलब कि आपको जो रिपोर्ट के कौन सा क्या क्या चार्ट यूज करना हो, ये आपके फील्ड, जैसे पिवट टेबल में फील्ड्स होते हैं ऐसे यहाँ पे फील्ड्स। मैं अगर बात करूँ तो ये जो पावर, आपकी जो पावर बीआई है, ये सिमिलर टू पिवट टेबल है, मतलब पिवट टेबल को अपग्रेड कर दिया गया ऐसा कह सकते हैं। और ये आपके तीन व्यू है, पहला आपका व्यू है रिपोर्ट व्यू, दूसरा है आपका डेटा व्यू, और तीसरा है आपका मॉडल व्यू। तो इससे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि पावर बीआई के खुद का डेटा नहीं होता है, हमें किसी अलग डेटा सोर्स से डेटा ले सकते हैं। तो कहाँ से लेंगे? गेट डेटा से। तो जनरली हम लोग एक्सेल यूज करते हैं। गेट डेटा में अगर इतने सारे कैटेगरीज है, लेकिन मोर पे जाएंगे आपको तो वन बाई वन सारी कैटेगरी दिख जाएगी कि किस तरह की कहाँ कहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। यहाँ देखिए, फाइल से, डेटाबेस से, पावर बीआई प्लेटफॉर्म से, एजुरे से, ऑनलाइन सर्विसेज से, या अदर सर्विसेज से। तो फिलहाल हमें एक्सेल फाइल से डेटा लेना है, तो एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके मैं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक डेटा इसमें डालेंगे नहीं तब तक आया कुछ होगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने डैशबोर्ड वन का डेटा इम्पोर्ट कर लिया, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इम्पोर्टिंग जस्ट लाइक एक्सेल में जैसे इम्पोर्टिंग होती थी, ऐसे ही यहाँ भी इम्पोर्टिंग है, सेम उसी तरह का इंपोर्ट सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सीट को, यहाँ चेकबॉक्स पर सीट पे क्लिक करके देख लीजिए, जो डेटा आप चाहते हैं वही है। यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। अगर सेम डेटा है तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड लोड कर दीजिए, यहाँ पे आपका डेटा लोड हो जाएगा। राखी जी, समझ में आ रही है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है ना? जब पूछना होगा तब पूछ लूंगी आपसे, अभी तो समझ में आ रहा है। तो हमने डेटा लोड कर लिया, तो जैसे डेटा लोड होगा यहाँ पे सारे फील्ड्स आ जाएंगे, जैसे पिवट टेबल में आते थे ऐसे फील्ड्स आ जाएंगे आपको, यहाँ इस फील्ड्स आ गए। तो मैंने समझाया कि ये आपका कैनवस एरिया होता है, ये फिल्टर्स है, ये विजुलाइजेशन है, ये हमारा फील्ड है, और ये हमारा डेटा मॉडल, मतलब कि जो हमने डेटा लोड किए हैं, एक से ज्यादा फाइल्स की डेटा भी लोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेटा आपका आ गया। अब आपको रिपोर्ट कैसे कैसे दिखानी है, बस उस तरह से बनाना है। कैसे बनाना है? जस्ट आपको विजुलाइजेशन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने विजुलाइजेशन को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अपने जैसे लॉगिन काउंट को मैंने यहाँ पर रख दिया, ये लॉगिन काउंट हमारा आ गया। उसके बाद फिर मैं बाहर कैनवस पे क्लिक करूँगा, फिर से एक विजुलाइजेशन लूँगा और उसको पोजीशन पे सेट करूँगा, और इसमें अपना फिल लूँगा।
उसके बाद फिर अपने विजुलाइजेशन को सिलेक्ट कीजिए। विजुलाइजेशन बहुत सारे, इसको वन बाई वन मैं समझाऊंगा है क्लासेस में। अपने विजुलाइजेशन को लीजिए, तो यहां पे पिवट टेबल की तरह आपका यूज होता जाएगा। डिलीट करना है, सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। मुझे यहां पे नेम बाइज लॉग काउंट क्लिक किया, एक टेबल आ गया। अब इसको भी चेंज भी किया जा सकता है। डिफॉल्ट हमने, आपने देखा कि हमने जस्ट क्लिक किया, हमने कोई विजुलाइजेशन नहीं लिया, तो ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी फॉर्मेट देना है, जो भी जिस तरह का आपको रिपोर्ट देना है, उस तरह की रिपोर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां पे इसको पैलेस किया, इस पे मैंने डिवाइस वाइज लॉग काउंट इसको वापस हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं यहां पे, और यहां भी हम देते हैं इसको अपने हिसाब से सेट भी किया जा सकता है इस तरह से। पूछनी मुझे आपसे, जैसे ये, हेलो, पूछिए, सुन रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने ये किया ना लॉग काउंट बाय प्रोडक्ट, तो आप पहले प्रोडक्ट को करेंगे या पहले लॉग काउंट को कर रहे हैं, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे टैक्स को ऑटोमेटिक लेजेंड ले लेता, जैसे मान लीजिए मुझे नेम बाय चाहिए, मान लीजिए मुझे इस तरह की एक लाइन चार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम बाय, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए वैल्यू में ड्यूरेशन चला गया। हाँ, कभी कभी दिक्कत होगी, जैसे दोनों नंबर्स हैं तो दिक्कत होगा, तो यहां से इसको स्विच कर सकते हैं, जैसे पिवट टेबल में स्विचिंग का ऑप्शन था, ऐसे स्विच कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और जैसे कि ये इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी नेम है, यहाँ पे डिवाइस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, नेम हो गया, साइट टाइप, टाइप और साइट दोनों सेलेक्ट करता हूँ, और हम यहाँ पे लॉग काउंट को सिलेक्ट करते हैं। आ गया, जब तक नंबर ऑटोमेटिक वैल्यू में चला जाता है यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ से मैप ले लेता हूँ, फील्ड मैप, और इसमें सिटी एंड लॉग काउंट। इस मैप को भी ले सकते हैं, चलिए। आपका ये रिपोर्ट तैयार हो गया। ओके, अब इसमें टाइटल देना है ऊपर, तो यहां इंसर्ट पे आइए और आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आएगा, यहां पे लिख दीजिए डेली सेल्स। मैं सिंबल आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहां से डैशबोर्ड बनाई जाती है। आगे मैं कौन सा कब यूज करना है, क्या क्या फॉर्मेट है, डिटेल में समझाऊंगा, बट एक आपको आइडिया तो लग जाए कि हम इस पे वर्क करेंगे कैसे। ये आपकी रिपोर्ट्स तैयार हो गई। अब मुझे इसको किसी, इसको सेव, आप मान लीजिए कि इसको भेजना है, तो इसी तरह से आप इसको सेव एज कर दीजिए और भेज दीजिए। बिल्कुल, ये तो एक्सेल की तरह ही है, बिल्कुल, मतलब भेजने का तरीका तो वैसे ही। नहीं, लेकिन इसको ओपन करने के लिए जिसको आप भेज रहे हो उसके पास पावर बीआई होना चाहिए। अब मान लीजिए पावर बीआई नहीं है, तो इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। अच्छा अच्छा पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दीजिए और भेज दीजिए, ठीक है। पीडीएफ फाइल बन गई आपकी, पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दीजिए। लेकिन जब हम पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, तो हम ऑफिस के अंदर जो रिपोर्ट सेलिब्रेट करेंगे, वो हम पावर बीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करना बेटर रहेगा। कैसे, मैं यहाँ पब्लिश पे जाऊंगा और यहाँ पावर बीआई को पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश होते ही ये इंटरनेट पे चला जाएगा, माई वर्क स्पेस में पब्लिश हो रहा है, सेव अपलोड हो रही है फाइल, ये अपलोड हो गई।
इसको यहाँ क्लिक करके ओपन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, यानी मतलब है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास पावर बी आई इस पर करता हूँ, इंटरनेट इसमें इंटरनेट एक्ट पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पे पावर बी आई पे आता हूँ, कुछ भी powerbi.microsoft.com ओपन कीजिए, साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। साइन इन पे आपको आईडी पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा यूजर कौन सा। हाँ सही है, यहाँ देखिए डैशबोर्ड 2 के नाम से आ गया ना हमारा लेटेस्ट जो हमारा, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं माई वर्क स्पेस पे चले जाइए, तो माई वर्क स्पेस में रिपोर्ट्स पे क्लिक कीजिए, ये आपके सारे रिपोर्ट्स, ये हमारा सैंपल रिपोर्ट जो भी अभी मैंने जस्ट किया है वो है, इसको क्लिक कीजिए, ये आपका सैंपल रिपोर्ट ऑन हो जाएगा। गॉट इट। अब मुझे इसको भेजना है, तो आप यहाँ शेयर दिख रहा हो, शेयर शेयर पे क्लिक कीजिए और अपने जो पावर बी आई यूज करने वाले ऑफिस के मेंबर्स हैं उस पर उनकी ईमेल आईडी को वन बाय वन करके यहाँ डालते जाइए और शेयर करते जाइए। राइट सर। तो उन जैसे आपकी आपने क्या ईमेल आईडी डाल रखा है अपने पास? जो मेरा ईमेल आईडी है rakhi.sharma। नहीं होना चाहिए, ये देखिए ईमेल आईडी, एक से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं, शेयर कर दे। अब आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब आप इस रिपोर्ट को कैसे देखेंगे? आप अपने ऑनलाइन पावर बी को लॉगिन करेंगे, शेयर विद मी इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी रिपोर्ट गूगल ड्राइव की तरह, गूगल ड्राइव की तरह बिल्कुल। ये जो ये आप कौन से स्क्रीन में है इस समय जिसमें ये लिख पावर बी आई, ये कहाँ, ये आप उस ऑनलाइन है हमारा, ऑनलाइन है ना, app.powerbi.com, मतलब कि हमने अपने रिपोर्ट्स को बनाया पावर बी आई डेस्कटॉप वर्जन पे और हमने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश करते ही रिपोर्ट चले गए इन पावर बी आई इंटरनेट इंटरनेट पे चले गए, यहाँ से हम इस रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैंपल रिपोर्ट पे वापस आते हैं हम, यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल का ऑप्शन में इसको सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एम्बेड पोर्टल वेबसाइट पोर्टल पे इसको एम्बेड कर सकते हैं, एम्बेड विद शेयर पॉइंट, आपने शेयर पॉइंट यूज करके वहां पे भेज सकते हैं, पब्लिश टू वेब, पब्लिश टू वेब भी इस पे किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि मैंने इसका एडमिन में वेब पे पब्लिश करने के लिए ऑथराइज नहीं किया हुआ है, कोड हमने के ही किया हुआ है, तो ऐसे किया जाता है, देख लेते हैं इसको भी। बहुत यहाँ से करना पड़ता है और एडमिन से आप कर सकते हैं, दिक्कत हो रही है इसमें, छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ से आप पावर बी आई को शेयर कर सकते हैं, शेयर में शेयर टू बेब, मतलब कि जिनके पास पावर बी आई नहीं है तो ये आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, एडमिन में कर लूंगा मैं, तो लिंक आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब उस लिंक को आप जो है किसी को भी मेल कर दीजिए, वो इसको देख पाएगा। फिर आता है यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, इसको पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसको पीडीएफ में कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो है आपने रिपोर्ट बना लिया, अब आपकी जिस पीसी पे रिपोर्ट है वो पीसी पे आप नहीं है, या मोबाइल पे या टैब पे है, आपको रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट डालना है, तो यहाँ आपको एडिट रिपोर्ट दिख रहा है, यहीं से आप अपने रिपोर्ट को एडिट कर सकते हैं। आगे ना सर, यहाँ पे मैं डेट डाल दिया, ठीक है, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, और इनमें और बहुत चीज भी है, विजुलाइजेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे हम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ओके, यस, तो यहां से हम इसको यूज कर लिया, क्लियर है। अब मैं इसको सेव दिस रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, रिपोर्ट हमारा सेव हो गया, बट यहां पे नहीं हुआ है,
एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद हो जाए। नहीं, रिफ्रेश करने पे वेब से डेटा नीचे नहीं आता, यहां से डेटा ऊपर जाता है, ऊपर से डेटा नीचे नहीं आता। ओके, समझ गए आप? ये हमारी पावर बीआई की रिपोर्ट। हाँ समझ गए। इसमें बात करते हैं सीखने लायक चीजें क्या है, सीखने लायक चीजें क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको डेटा कनेक्टिविटी सिखाएंगे कि कैसे हम डेटा डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से लेके आएंगे, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर डेटा में थोड़ी बहुत चेंजिंग करना हुआ, कैलकुलेशन करना हुआ, तो कैसे एक नया कॉलम ऐड करके हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें आपको पावर बीआई डैक्स फंक्शन सिखाया जाएगा जो कि तकरीबन 200 के आसपास है, राइट। उसके बाद किस विजुलाइजेशन को यूज करके किस तरह से फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज किया जा सकता है, स्लाइसर कब इंसर्ट किया जा सकता है, उसके फिल्टर्स, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको इसमें पावर क्यूरी। जी हाँ, पावर क्यूरी। पावर क्यूरी मतलब कि इसमें हमारे हम डेटा को और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 डेटा को रख के उसकी मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका होता है किसमें? पावर क्यूरी में। तो पावर क्यूरी के बारे में हम आपको बताएंगे इसमें। एडिट एंड ट्रांसपोज आप पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको, डेटा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको पावर क्यूरी पे भेज देगा। तो पावर क्यूरी के बारे में हम आपको समझाएंगे और बाकी सारे चीज जो अवेलेबल है सब एक चीजों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस पावर के बीआई के कोर्स में। तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी तरह की रिपोर्ट को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके आप बना सकते हैं, उसके हर एक फंक्शन, हर एक पार्ट को आप इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है राखी जी? बिल्कुल ठीक है। मुझे एक एक चीज बता दीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे कोर्स पर टाइम कितना लगेगा, पहले आप ही बताइए। अगर टाइम की बात करें तो ये तकरीबन 20-22 घंटे की कोर्स है। अगर आप फंक्शन की डिटेलिंग में जाएंगे तो ये बढ़ भी सकता है। वो क्या मतलब, क्या मतलब हुआ इसका डिटेलिंग? मतलब हुआ कि इसमें जो मोस्टली फंक्शन जो है वो आपके एक्सेल से ही है, जो एक्सेल फंक्शन है वही फंक्शन है। तो एक्सेल फंक्शन का आपका कमांड है तो यहाँ फंक्शन को समझने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको एक्सेल के फॉर्मूले नहीं पता तो फंक्शन में थोड़ा सा टाइम खींच जाएगा, तो थोड़ा सा कोर्स जो है 5-7 घंटे बढ़ जाएगा या उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। आप फिर भी एक आइडिया दीजिए ना मुझे, अंदाजन 20-25 घंटे लेके चलिए। 20-25 घंटे आप वीकेंड पे भी लेंगे? नहीं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, वीकेंड पे मैं छुट्टी पर रहता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो भी ये है हमारे ट्रेनीज है सबके सब वर्क प्रोफेशनल्स हैं, तो वीकेंड में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वीकेंड में वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर मंडे को सारे डाउट और क्यूरी को पूछते हैं। ठीक है, तो मतलब तो फिर दिक्कत रहेगी प्रैक्टिस में। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपके पास समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। बस मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे को कंसल्टिंग जो मार्केटिंग करेगा ना, कर रहे हैं ना, उनके पास रिक्वायरमेंट आ रही है, वो कह रहे थे मई 3rd वीक तक खत्म करना है, तो हो जाएगा मई 3rd वीक तक? मुझे अगर मैं मई 3rd वीक तक हो जाएगा खत्म, अगर बचेंगे भी तो थोड़ा बहुत बचेगा, मेन पार्ट खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, हाँ बस वही है मेरे को मेन पार्ट, जैसे जो है ना लाइक क्वेरी खत्म, क्वेरी तो मेन खत्म होना ही है, जो जितना भी आप कर सके मेन पार्ट जो है खत्म हो जाएगा मेन मैटर तक। ठीक है, और बैच में फिलहाल आप अकेले हैं तो गैदरिंग भी नहीं होगी, तो मैं टॉपिक ज्यादा खींचूंगा। ठीक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अभी क्या करें, अभी मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल दिया ना, तो अभी ये को थोड़ा सा छेड़िए, मतलब कि आप बहुत सारे ऑप्शन को यूज करके देखिए ऐसे ही क्या होता है कैसे होता है। एक डेटा को कनेक्ट कर लीजिए, जब बताया मैंने आपको, और उस डेटा के ऊपर आप जितने भी विजुलाइजेशन है उसको छेड़िए, बाकी फंक्शन को छेड़ के देगी, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, राइट। तो पावर बीआई की अवेयरनेस बढ़ेगी तो सही से सही रहेगा। लर्निंग करने से पहले हर किसी को मैं सलाह देता हूँ कि थोड़ा सा पावर बीआई की जो आप जो पावर बीआई एक्सेल सीख रहे हैं सीख रहे हैं उसके हर ऑप्शन को एक बार हिट करके आप देखिए। ठीक है, उसके एनवायरमेंट को समझो, मतलब हाँ,
अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे एक करने का पर्पज ये है कि जैसे आप मोबाइल फोन, आप जैसे कि मोबाइल फोन आपको कोई सिखाया किसी, अब एंड्रॉयड फोन ऑपरेट करना आपने कोई किसी ने सिखाया था आपको, किसी ने ट्रेनिंग ना, दिया था? अपने आप करते करते आ गया। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उसके साथ अवेयर रहे हमेशा, उस पर टाइम दिया आपने उसको, जब तक छुए आपने देखा कि क्या फीचर है, उस पर हिट किया आपने हमेशा, हिट करने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा ऐसा होता है। समझ गया आपकी, अब आपकी बात मुझे समझ में आ गया। फिर खैर ठीक है, तो इसको कीजिए। और हो,